जानवर को शिकार करना नहीं आता, वो शिकार बन जाता है। जिंदगी में कुछ हासिल करने वालों का एक लक्ष्य होता है। ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता और अमानवीयता की एक ऐसी घटना है जिसके बारे में बात कर लोगों की आज भी रूह कांप जाती है। इस घटना को भारतीय कभी भी भुला नहीं सकते हैं। अंग्रेजों के जुल्म की याद भारतीयों के दिलों में युगों युगों तक रहेगी। जब भी बात अंग्रेजों के जुल्म की होगी तो दिग्गज वकील श्री शंकर नायर को जरूर याद किया जाएगा। श्री शंकर नायर के ब्रिटिश साम्राज्य पर ठोके गए मुकदमे ने भारत में अंग्रेजों के शासन के सबसे काले अध्याय को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया था। अब दोस्तों उन पर एक बायोपिक बन रही है। जी हाँ, श्री शंकर नायर पर करण जौहर बायोपिक बना रहे हैं, जिसका अनाउंसमेंट प्रोड्यूसर ने 2021 में किया था। मूवी में अक्षय कुमार श्री शंकर नायर का किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म में ब्रिटिश अदालत में चले इस केस की पूरी प्रक्रिया दिखाई जाएगी। दिल्ली के सबसे पुराने लॉ कॉलेज में फिल्म की शूटिंग चल रही है। कॉलेज के अंदर अक्षय कुमार को शूटिंग करते हुए देखा गया। अक्षय कुमार यहाँ नायर की फेवरेट कार ब्लैक बेंटले पर सीन करते हुए दिखाई दिए हैं। जैसा कि किताब द केस दैट शुक एम्पायर में लिखा गया है कि ब्लैक बेंटले नायर को बहुत पसंद थी। उनका ड्राइवर गोविंदन उसे बहुत चमका कर रखता था। जून में दिल्ली के अलावा अलग अलग हिस्सों में फिल्म की शूटिंग की गई, जिनमें लाल किले में दिल्ली दरबार से लेकर रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, जिसे पंजाब रेलवे स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर हाल ही में अक्षय कुमार और अनन्या पांडे ने शूट किया था। ये शूट 2 दिन तक चला था, जिसमें पंजाब के स्टेशन का सेट तैयार किया गया। ट्रेन आने पर नायर की भूमिका कर रहे अक्षय कुमार उसमें से उतरते हैं। ये दृश्य नायर के पंजाब स्टेशन पर उतर कर जलियांवाला बाग जाने की इशारा करता है। वैसे दोस्तों, आप अक्षय कुमार को इस बायोपिक में देखने के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डाई हार्ट फैन हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवीज से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।